हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमजे दी रॉक कपल। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर, हर हर महादेव। सो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कैसे यारकाट में पहुंचे, वहां पे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया एंड हम पहुंचे पगोड़ा पॉइंट। पगोड़ा पॉइंट से हम निकल देते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, पीकू पार्क। पीकू पार्क एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बर्ड मिलेंगे जिनको आप अपने हाथों से फीड भी करा सकते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा है। यहाँ पर एंट्री टिकट पर कैंडिडेट था 300 रुपीज एंड फॉर किड्स 200 रुपीज। सो अंदर एंटर करते ही हमें मिलते हैं ये क्यूट से डॉगीज। आई डोंट नो ये कौन से ब्रीड के हैं, बट अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक छोटी सी नर्सरी मिल जाएगी जहाँ से आप अपने लिए कुछ प्लांट्स ले सकते हैं। सो हमारा वेलकम होता है इस ब्यूटीफुल फाउंटेन के साथ। इट वाज सो रिफ्रेशिंग इन बिटवीन द नेचर। ये देखिए कैसे यहाँ पे बर्ड्स के लिए नेक्स्ट बना रखे हैं। सो यहाँ पर आपको ये सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स। यहाँ पे आपको ये जो केज देख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैन हैं, जो आप भी देखिए। साथ हम पहुंच जाते हैं अंदर की तरफ बर्ड्स पार्क में। देखिए ये नीचे जो केमिकल है ये जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके पैरों में लग जाएगा, जिससे अंदर बर्ड्स को इन्फेक्शन ना हो। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अंदर बर्ड्स के साथ केज में। यहाँ पर आप देखिए बर्ड्स कैसे खुले घूम रहे हैं। हम उनको फीड करा सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं। आप भी देखिए इस वीडियो में। ये देखिए जैसे ही मैंने खाने का दाना लिया एक साथ सब आ गए मेरे ऊपर एंड देखिए एक साथ सब खा रहे हैं। दे वर लुकिंग वेरी क्यूट। आप भी देखिए। इसे देखिए, ये आज मेरा बैग फाड़ के ही रहेगा। इसे देखो कैसे ऊपर चढ़ रहा है एंड ये देखो ये साइड में कैसे लपसप हो रहा है। कुछ भी कहो, वन टाइम एक्सपीरियंस करना तो बनता है। इफ़ यू आस्क मी इट इज 100% रिकमेंडेड विथ फुल पैसा वसूल। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट केज में एंड आप इनसे मिलिए। ये है मिस्टर रॉकी। इट वॉज रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस, यू मस्ट ट्राई। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट केज में एंड इन्हें देखिए मेरे हाथ में बंधी राखी के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ तो काटने के लिए चाहिए इन्हें। इन्हीं सब के साथ हम निकल जाते हैं बाहर बर्ड पार्क से एंड पहुंचते हैं ऑस्ट्रिच के पास। यहाँ पर आप सारे एनिमल्स को अपने हाथ से खिला सकते हैं और खिलाने के लिए वहाँ पर घास या काला कुछ रखा हुआ था जो लेकर आप उनको फिट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुँच जाते हैं रैबिट देखने। बहुत ही क्यूट रैबिट थे ये, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। रैट कुछ तो इतने छोटे थे कि लग रहे थे जैसे रैट हो।
ये ग्रे अंगोरा रैबिट्स हैं। मुझे बिल्कुल छोटू सा डॉग जैसा लग रहा था ये। ये देखिए, ये छोटे छोटे रैबिट्स, वाओ, दे वर वेरी क्यूट और बहुत भूखे भी थे। सो थोड़ा सा उनको खिलाया और देखिए उनके लिए दूध की बोतल भी रखी हुई है। ये देखिए इस क्यूट से डॉगी को कैसे ऑस्ट्रिच के साथ खेल रहा है। सच अ क्यूट डॉग। वहीं पे बाहर थी एक शॉप जिसमें आप होम डेकोर के काफी आइटम देख सकते हैं और ले भी सकते हैं। बहुत क्यूट क्यूट से आइटम थे, आप भी देखिए इस वीडियो के द्वारा। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं स्काई वॉक रोबेका। एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है जहां पे आपको बुफे मिलेगा एंड बुफे टाइमिंग इज 12 to 3 एंड यू मस्ट ट्राई इट। इट्स 1500 पर पर्सन। हम लेट हो गए थे सो वी मिस्ड बुफे, सो वी ऑर्डर्ड मिल्क शेक। चलिए आपको ले चलते हैं बाहर स्काई वॉक की साइड में। सो आप भी अब इस वीडियो को और इस वीडियो शूट को इंजॉय कीजिए इस वीडियो के साथ। ये जो सामने हिल देख रहे हैं वो है जेंट सीट एंड लेडी सीट। सो इसलिए हम वहाँ नहीं गए क्योंकि सेम नज़ारे यहाँ से हमने एंजॉय कर लिए थे। उसके बाद हम जाते हैं अपने रिसोर्ट और लेते हैं अपना सामान और निकलते हैं सेलम के लिए। बट बीच में ही बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है और हम होते हैं लेक व्यू के पास। तो फिर हम ले लेते हैं पिज्जा ब्रेक इन द कॉफी स्टॉप। हम लोगों को बहुत पसंद आया और वो भी इस लेक व्यू के साथ। हम एंजॉय करते हैं अपने पिज्जा को। बारिश रुकते साथ ही हम चल देते हैं नीचे की तरफ एंड कहते हैं बाय बाय इस हिल स्टेशन को। देखिए कितना ही फॉगी रोड है, बहुत ही मजा आ रहा था यहाँ ड्राइव करने में। वैसे कुछ भी कहो, हिल स्टेशन में ड्राइव करने का अपना ही एक अलग आनंद है। हम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें सेलम पहुँचना था। वैसे आपको बता दूँ टोटल खर्चा कितना आया इस ट्रिप में। सो ट्रेन जो हम आने जाने दोनों का 500 रुपीज़, स्कूटी 1400 फॉर 48 आवर्स, पेट्रोल हमें लगा ओवरऑल 350 रुपीज़ का, रिजॉर्ट का हमें लगा 1500 प्लस सेलम में 800 रुपीज़, फूड का लगा हमें 2500। सो ओवरऑल इट वॉज 7000 रुपीज़ फॉर द कपल। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं सेलम एंड आप भी देखिए बादल कैसे बरसने को तैयार है। हमें तो ये लग रहा था हम बस होटल पहुंच जाए, उसके बाद जितना चाहे उतना बरसे। एक्चुअली अभी हमें होटल भी सर्च करना था रेलवे स्टेशन के पास क्योंकि अगले दिन ही मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी सेलम जंक्शन से। इसी के साथ हम स्टेशन के पास ही रूम मिल जाता है। चलिए आपको रूम का एक टूर देते हैं। ये जो रूम है हमें 800 रुपये का पड़ा जस्ट फॉर वन नाइट, जिसमें AC भी था।
सो इट वॉज क्वाइट गुड रेट। चेक इन के बाद हम निकल जाते हैं बाहर एंड जाते हैं 99 वराइटीज डोसा में, ऑर्डर करते हैं काजू मसाला एंड पनीर डोसा। चलिए आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड नाइट। ये लो जी हम आ गए सेलम जंक्शन एंड चलते हैं अंदर। ये रही हमारी ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आनी है एंड ये रही कोयम्बटूर टू चेन्नई वंदे भारत ट्रेन। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है एंड हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। सो चलिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वर्चुअली हमारे साथ घूमते रहिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।